हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके से संबंधित उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आज हम लोग सत्यशोधक समाज और उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले नहीं, किसके स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। कब किया गया सत्यशोधक समाज का स्थापना? कब किया गया? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया। सत्यशोधक समाज के उद्देश्य क्या क्या हैं? सत्यशोधक समाज के उद्देश्य इस प्रकार हैं: ब्राह्मणवाद का विरोध करना एवं निम्न जातियों को शिक्षित कर उनका उत्थान करना। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ए बी सी ऑप्शन में आप चुनिए ए बी बी सी या ए सी या ऑल, कि कौन सत्यशोधक समाज का उद्देश्य इनमें से कौन कौन है। इसका उत्तर है दोस्तों ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ब्राह्मण के विचारों का विरोध करना और साथ में निम्न जातियों को शिक्षित कर उनका उत्थान करना। एक और प्रश्न है जो कि एसएससी 2000 में पूछा गया है। सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? सत्यशोधक समाज का प्रयास क्या है? इसका उत्तर है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। सत्यशोधक समाज का क्या प्रयास है या उन्होंने क्या प्रयास किया? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं जो कि ज्योतिबा फुले से संबंधित है। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले।